उनका एक्शन अलग ही ढंग से बताया हुआ और बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने, और उनके ऊपर ही पिक्चर मूवी टिकी हुई है, पूरी पिक्चर में उनका काम बहुत अच्छा है। और जैकी श्रॉफ का जो रोल किया, जैकी श्रॉफ का भी रोल बहुत अच्छा है, जैकी श्रॉफ भी अच्छा काम किए, नहीं सबके काम अच्छे। पिक्चर पूरा भूत के ऊपर बनाया है, राम गोपाल वर्मा की पिक्चर आती थी, फिर भी पिक्चर अच्छी है, फिल्म अच्छी है। पाँच तो देनी चाहिए, पाँच में पाँच चाहिए। ओके ऐश है, ओके ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। कॉमेडी जेनर है, हॉरर है, कॉमेडी है, सो इट ठीक है, रिफ्रेशिंग लगा मेरे को, थोड़ा रिलैक्सिंग होनी चाहिए थी तो वैसी लगी। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे ईशान है, कैटरीना है। कैटरीना ने पहली बार ये जॉनर ट्राई करा है हॉरर कॉमेडी का, तो वो अच्छा लगा मुझे देख कर। म्यूजिक वॉज सो सो, नॉट गुड, ओके लगा। कॉमेडी पे बनी है, पर कॉमेडी ऐसे हर जगह, मुझे कुछ कुछ जगह पे ना फोर्स्ड लगी कॉमेडी, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ओके वन टाइम वॉच है, इट्स ओके, देख सकते हैं। वीकेंड है तो हाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी इतनी खास थी ये नहीं बोल सकती मैं, इतनी अच्छी भी नहीं थी। या वो उस पर हाँ नहीं 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 आई डोंट थिंक सो, इतनी अच्छी भी नहीं बनी है। 3-3.5। थैंक यू। फोन बुद मूवी मैंने देखी कम्प्लीटली, वन मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्ट वाइज थोड़ा सा लूज लगा, ऑनेस्टली मैं रिव्यू दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट वाइज थोड़ा सा लूज लगा, बट ओवरऑल एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि मैं उम्मीद करता था कैटरीना कैफ से, काफ़ी दिनों के बाद वापस से कम बैक किया उन्होंने, और ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड जैकी श्रॉफ, ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड लोग भी इस फिल्म के अंदर हैं, तो मैं मुझे अच्छी लगी फिल्म, एक तरह से हॉरर कॉमेडी फिल्म है, मतलब हम एक मॉर्निंग बेस में अगर आते हैं तो मॉर्निंग सेशन में पैसा वसूल है, ऐसा नहीं कि एकदम डिसअपॉइंट नहीं हुआ, बट कहीं ना सिर्फ कहानी में थोड़ा सा लूजमेंट लगा, और पार्ट टू अभी देख रहा हूँ मैं। और राका के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म की कहानी बताई गई है, यानी कि वो एक सस्पेंस है आपके लिए राका, अगर आप राका को देखें तो अच्छी ओवरऑल अच्छी है, बस सिर्फ थोड़ी सी स्क्रिप्ट लूज है, इवन एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं ऐसा ना, सबसे अच्छा काम मुझे जो लगा वो ईशान खट्टर का काम बहुत अच्छा लगा मुझे, एज एन एक्टर वाइज, और कैटरीना कैफ का। एक बहुत टाइम के बाद अगर हॉरर कॉमेडी देखा जाए तो ठीक है, आप देख सकते हो, वन टाइम वॉच है, एक हॉरर कॉमेडी के सब देख सकते हो। नहीं मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक्चुअली हर फिल्म, जितनी जो भी फिल्म रिलीज़ हुई है, हर फिल्म का एक अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, जैसे मिली फिल्म अभी आई है और अभी फोन बूथ भी आई है, तो बेटर देन मेरे ख्याल से ये एक मिली मूवी एक थोड़ा सा एक अलग जोनर में है, फोन बूथ एक अलग जोनर में है, तो मैं हॉरर कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू देखूँगा तो ये फिल्म देखनी चाहिए लोगों को, क्योंकि एक बहुत टाइम से हम लोग बहुत सीरियस फिल्में देख रहे हैं ना, तो एक थोड़ा सा कॉमेडी फिल्म भी देखो यार आप लोग। 4 दूंगा, थैंक यू। बहुत प्यारी मूवी है, पैसा वसूल मूवी है, मतलब जब इंटर हो रहे थे तो ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ऐसा, जब स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बाद में जब पिक्चर जो पिकअप पकड़ती है, मज़ा आता देख के। जी जी, मुझे सबसे ज़्यादा काम तो कैटरीना जी का अच्छा लगा है, क्योंकि एक जो उनको जो रोल मिला था वो चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि वो उनकी हिंदी एक्सेंट उनका परफेक्ट नहीं है, बट उन्होंने जो जिस तरीके से निभाया है, आपको देख के लगता है कि डायरेक्टर को मालूम था कि ये रोल किसके लिए बेस्ट है। ईशान ने भी अच्छा काम किया है, जब आप ईशान को देखते हो तो ही इज़ अ लुक लाइक शाहिद, तो आपको थोड़ा उसका भी फ्लेवर देखने मिलता है, बहुत अच्छा। सिद्धार्थ ने भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम किया है, और उनमें जैकी श्रॉफ है, उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, बहुत अच्छा है। पिक्चर के हिसाब से म्यूज़िक अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती गाना नहीं सौंपा गया, गाने दो हैं सही हैं। डायरेक्शन जो डायरेक्टर साहब जो कहना चाहते थे पिक्चर में वो कह पाए, ऐसा कोई आपको नहीं लगेगा कि किसी जगह पे वो चूक गए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, वेरी वेल। और कोई
आज के दिन और भी बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई है, क्या लगता है ये बाकी मूवीज को टक्कर दे पाएगी? मुझे लगता है बाकी मूवी को टक्कर दे पाएगी। इसके मुकाबले में जो डबल एक्सल है वो भी थोड़ा सा उभर के आएगी, बट ये फोन बूथ एक ऐसी मूवी है कि कॉमेडी है, वो भी कॉमेडी है बट ये थोड़ा सा बेटर है, कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। फोर देखिए इतना हाइप था, ट्रेलर भी देखा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कॉमेडी हॉरर मूवी है, और हॉरर तो है ही नहीं मूवी में, कॉमेडी पंचेस है फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में इट फॉल्स फ्लैट। आई थिंक इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग इन द सेकंड हाफ बिकॉज द प्लॉट इज़ वेरी वीक, कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये आई थिंक बॉलीवुड डायरेक्टर्स नीड टू लर्न कि पावरफुल कंटेंट होना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स, कैटरीना कैफ जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस और ईशान और सिद्धांत जैसे एक्टर्स, बट कहीं ना कहीं हम लोग मायूस हो गए। ऑल ऑफ देम, ईशान और यू नो सिद्धांत और ईशान दोनों ही आई थिंक दे एट पार, दे हैव डन देयर रोल्स वेरी नाइसली एंड वेरी इफेक्टिवली, और कैटरीना कैफ जी भी आई थिंक इम्प्रोवाइज किया है, हिंदी इज लॉट बेटर एंड द वे शी यू नो लुक्स वेरी एलिगेंट एंड ग्रेसफुल एज ऑलवेज, वेरी सटल, बट द कंटेंट इज़ वीक। आई थिंक बॉलीवुड नीड्स टू नो वट दे आर मेकिंग। सेकेंड हाफ में इट जस्ट फॉल्स फ्लैट, कहीं भी यू नो मूवी जा रही है, कोई सर पैर नहीं है, तो यू नो समवे यू विल बी डिसअपॉइंटेड, डिसल्यूजन, बिकॉज सो मच वी हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मूवी, एंड इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, जैकी श्रॉफ वॉज वेस्टेड, शीमा जड्डा जैसे सीजन एक्ट्रेस को वेस्ट किया, कहीं कहीं कॉमेडी पंचेस है बट इट एंटरटेन्स यू इन बिट्स एंड पार्ट्स, नॉट वेरी कंसिस्टेंट। कोरियोग्राफी अच्छी है, काली तेरी गुत एक रिमिक्स है जो रॉय ने कंपोज किया वो अच्छा है, फिर किन्ना सोना भी अच्छा है, तनिष बागची और एक रोचक और एक माइकी, तीन चार कंपोजर्स हैं, तो म्यूज़िक ठीक है बट म्यूज़िक भी कितना बांध के रखेगा। 2.25 घंटे की मूवी है तो मनन मेहता जो इसके एडिटर हैं उनको मैं बोलूँगा कि ठीक है, एडिटिंग ज़्यादा ड्रैग नहीं किया मूवी को, बट सिनेमेटोग्राफी भी और अच्छी हो सकती थी, KU मोहनन इतने फेमस सिनेमेटोग्राफर हैं, डायरेक्शन और अच्छा हो सकता था गुरमीत सिंह का, और एंगेजिंग कर सकते थे, और इंट्रीगी बना, हॉरर कॉमेडी थी तो हॉरर कॉमेडी में हमने स्त्री मूवी देखी है और भूल भुलैया 2, तो कोई कोई मूवीज एंगेजिंग थी, साथ में म्यूज़िक भी बहुत धमाकेदार था, तो ये मूवी का मुझे सब कुछ एवरेज ही लगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग मिली एंड डबल एक्सल, बोथ द मूवीज, यू नो आई सॉ द ट्रेलर एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये मूवी थी क्योंकि मुझे ट्रेलर पसंद आया था, बट कहीं ना कहीं मुझे मायूसी हुई ये मूवी देख के, विद अ हैवी हार्ट 2.5।
प्रॉब्लम मिली है क्या? कि हाँ ठीक है नहीं मिलता वो लगा कोई नहीं दिखता, वहाँ सिक्योरिटी एक रहता है।